अस्सलामुअलैकुम जी, हमें बहुत खुशी है कि बेगम साहिबा अपनी गुनाह मसरूफियात से वक्त निकाल कर आज यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। आपको तो मालूम ही है कि इनके साथ जो है ना वो बहुत बड़े अहदे पर तरक्की हो गई है उनकी, बहुत बड़े अहदे पर। तो आइए आइए बेगम साहिबा, आइए 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 तो हाँ जी, बस बस साहब की बहुत ही तरक्की हो गई है जी। लेकिन देखे सबसे बड़े अहदे पे तरक्की हो गई है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ही वैसे सादा इंसान। जी हाँ जी हाँ, हमने ही सुना था कि बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है। बहुत सादा जी, सादा और शरीफ जी, और खामोश तबा, और वो क्या उसको कहते हैं जो बहुत थोड़ा बोलते हैं, कम बोल, कम गो जी, बहुत ही कम गो है। इतना थोड़ा बोलते हैं कि बुलबुल को बस कहते हैं बुल। तो बेगम साहिबा ये बताइए कि आपकी अज़वाजी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा, कैसी आपकी अज़वाजी जिंदगी, जबकि साहब तो सबसे बड़े अहदे पर आए। नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ा जी साहब जी, बस इतना फर्क पड़ा है कि पहले मैं उनको जीजी बुलाती थी, अब मैं उनको सरजी कह के बुलाती हूँ, और कोई फर्क नहीं पड़ा। चीजी? हाँ जी चीजी जी। देखे ना, हमारे यहाँ होता है ना जी, जो मतलब बड़ा भाई हो उसको हम पाजी कह के बुलाते हैं जी, और वालिद साहब को हम अब्बा जी कह के बुलाते हैं ना जी, और बहनोई को जीजा जी कह के बुलाते हैं, तो उनको मैं चीजी बुलाया चीजी। तो बस इसी चीज का फायदा हो गया। फायदा हो गया? हाँ। वो कैसे? वो जी अब्बा जी है ना। हाँ जी। तो दोनों लड़के उनके पास आया करते थे, अब्बा जी चीजी दे दो, अब्बा जी चीजी दे दो, तो अब्बा जी ने कहा वो है चीजी ले। फायदा हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसी तरह से उदा मिल गया। बस इसी तरह से जी उदा। मगर बेगम साहब, साहब तो पहले भी काम करते थे ना। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत मशहूर थे जी, बहुत बड़े मुनसिफ थे जी। हाँ जी हाँ, उनके इंसाफ के बारे में तो बहुत अखबारों में छपता रहा है, बहुत लोगों ने लिखा है। बहुत जी, ये जी इंसाफ जो था ना, ये उनको उनके दादाजी ने सिखाया। दादाजी? हाँ जी, उनके दादाजी ने जो उनको एक इंसाफ का उसूल सिखाया था, उन्होंने कहा था बेटे मैं वसीयत करता हूँ, मैं लिख के तुम्हें देता हूँ, इंसाफ करने से पहले तुम ये अगर फैसला देने से पहले असूल पढ़ लो तो इंशाल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। तो इसलिए इतना उनका इंसाफ जो है उसका बोल पाया। तो वो दादाजी जो आप ये बताइए कि आप उनको की चीजें बताते हैं। वो जी पहले मैं उनको
चीची जी कहती थी कि दूसरा काम को है ना वो चीची बन।